बगैर ऐल के और बगैर नमक के, साबित गरम मसाले, साबित धनिया, क्योंकि ये अभी फ्रीज हुआ पड़ा है। हम जब तक इसको रखते हैं खोलते हैं तो लेट हो जाएंगे। ये पानी तो थोड़ी देर के लिए हल्की आँच पे ढकना लगाएंगे, ये खुल जाएगा। इसी ही पानी में इसी तरह से जैसे ये ड्राई होगा मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसमें क्या रखना है, नमक, सॉरी लहसुन और प्याज। ये एक प्याज, एक लहसुन। ये चिकन हमारी पूरी कंप्लीट देसी चिकन है। यखनी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीच में अपने चैनल पे वेलकम करती है। हंसो और हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। तो आप लोगों को पता है मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, जो क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको पता है बग़ैर नमक के, बग़ैर ऐल के, दिल की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान देती है, ब्लड के लिए और हार्ट के लिए, ऐल और नमक। तो एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। इलाज दवाई वो तो बहुत ही छोटी होती है, ज़्यादा फ़र्क खुराक से ही पड़ता है। अगर अपनी सेहत को बेहतर रखना है तो खुराक का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कंप्लीट देखते रहें। तो सेहत के साथ मेरा बेटा भी घर आ गया है, ये भी आपके साथ सब शेयर करते हैं। और एक अच्छी सी मज़ीद रेसिपी के साथ बेटा भी खरिया से, वो भी केक वगैरह काटते हैं। दलिया बग़ैर आयल के, घी के और नमक के, चिकन के साथ देसी चिकन अच्छी तरह से नरम कर लिया है, बना लिया है। फ्लेवर्स, आज मेरा बेटा हॉस्पिटल से खैर के साथ घर आ रहा है, तो सारा रूम को क्लीन कर रहे हैं फरनैल के साथ, वाश करके सारा सामान निकाला है सेटिंग। तो इंशाल्लाह खैर खैरियत के साथ आ जाएगा, अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ पैदा करे। तो नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ते में जैम, डबल रोटी, थोड़ी सी चाय, पहले भी मैं थोड़ी सी चाय ले ली थी। तो मैं इंतज़ार और सेटिंग क्लीन करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। तो ज़ख़म, मसले मसाइल, ये वो खांसी, इस तरह से सारा आप सब की, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अपने हैं, गैर हैं, जिसने सुना है, जो जो भी हमें से मिला हुआ है, सब ने दुआएं की है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सब की। तो अल्लाह ताला ने सब की दुआएं कबूल की हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ है, मेरा बेटा आज पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको नई ज़िंदगी दी है, मेरे लिए वो आज पैदा हुआ है। आप सब की दुआओं के साथ रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तहे दिल से आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेज आते थे, फ़ोन आते थे, हम रात को उठ उठ के नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, हुसैन सरदार के लिए दुआएं मांगते हैं, उसकी सेहत और ज़िंदगी की। ये कुछ अलग़ैब से दुआएं होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता वो क्यों होती हैं। वैसे तो अच्छे इंसान हर जगह पे हैं, दुआएं मांगते हैं, बहरहाल हमें भी अपनी लाइफ में इतना अच्छा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है सबके साथ, उसका इखलाक, उसका मिलना मिलाना, अल्लाह के नाम पे हेल्प करना, गरीबों की, दोस्तों की, सबको प्यार से मिलना, जो भी हो सकता है उसी हिसाब से सबकी करना, अल्लाह उसे और तौफीक दे, अल्लाह ताला उसे करता रहे। मेरी दुआएं हर वक्त मेरे बच्चों, अपने बच्चों के साथ होती हैं, तो उसकी अच्छाई, उसकी मोहब्बत लोगों के साथ, दोस्तों के साथ आज रंग लाई है। जैसे मैंने कहा है, अल्लाह ताला जिसने हमारे लिए दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उनको भी अजर देगा। वो भी नेक अच्छे लोग हैं जो हमें दुआओं में याद रखा है। नाश्ता करती हूँ, बहुत खुश हूँ।
जैसे मैंने कहा अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ पैदा करे, तो जल्दी जल्दी उनके कमरे को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तो हम बना रहे हैं मटन और साग। ये चूल्हा जो है तो छोटे बहुत छोटे चूल्हे थे, कढ़ाई नहीं होते थी वे। इस चूल्हे की आग रहा है ज़्यादा, इस सेट पे रखते हैं मटन, पालक और गंदला साग इकट्ठे मिक्स करके हम बना रहे हैं, और इसमें हम मटर भी डालेंगे, बहुत मज़े के टेस्टी बनेगा। इस साइड पे कोरने के लिए हम बना रहे हैं प्याज। प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हुए हैं, तो एक चम्मच भर के लहसुन हल्का सा इसको गोल्डन करते हैं। गरम मसाला, हल्दी और नमक, लाल मिर्च हमने कहाँ डाली थी उसकी जगह हमने साग में सबक मिर्चें ऐड कर दी हैं, जो बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं साग में, हर सलाद में डाल के बहुत मज़े का टेस्टी बनने वाला है मटन। सरसों का साग और पालक, उसमें डालेंगे हम साथ मटर भी, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएंगे। आप भी बनाएं, आए बीजी बीवा के किचन में, रेसिपी देखें, मज़े मज़े के खाने बनाएं। ऐसे ही गोश्त का पानी ड्राई होगा, उसके बाद टमाटो पेस्ट, फिर उसको भुनाई करेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, गोश्त को नरम करेंगे, कोरमा बनाएंगे, उसमें फिर साग जैसे भी हमारा नरम होता है हम उसको ग्राइंड करके मेहंदी की तरह अच्छा सा टेस्टी साथ मटर, जैसे जैसे प्यार करते हैं आप कंप्लीट देखें। इसका पानी जो बिल्कुल नरम हो चुका है, अब पानी इसका काफ़ी सारा, इसको ड्राई करते हैं जल्दी जल्दी। आप टेस्ट करके इसकी बोटी में चेक करती हूँ, मुझे लगता है नरम हो चुके हैं, नहीं थोड़ा सा पानी डाल के जब तक ये भी हो जाएगा, ये भी होगा जाएगा, इसको ग्राइंड करके लगे हुए। ये देखें इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं, यहाँ इस तरह से सेटिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इस रूम को बिल्कुल अलग कर देंगे क्लीन करके बेटे के लिए, कोई ना ज़्यादा इसमें रश करेंगे जी। इसको ठंडा करने के बाद ग्राइंड करेंगे, माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएंगे। गंदला दस्सा मखना मकाई खमी नहीं, थोड़ी जी जवान बाजरे की रोटी छोटी छोटी होती है ना, वही हो तो असा हाथ कर जवान खा दी। और इन्हें पता होना सारे घर मेहमान बे आए गए रहने वाले, कभी कई बंदे ढेर होने, कई थोड़े होने, ये रहा कहीं कोई थोड़ी ना थी, वो बीजे ना था, वो काफ़ी सारी बीजे ना जी। मेरे घर सर्दियाँ आ रहे हैं तो विलेज की बहुत याद आती है, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, साग बाजरा जो हमारी जो मासी है वही बातें कर रही थी, सर्दियों में आई थी ऐसे बहुत मज़े के मक्खन लस्सी, बाजरा की ज्वार की बाजरा की रोटी साग। आज हमारे साग का वही टेस्ट है क्योंकि हमने गंदलों वाला साग इसमें मिक्स किया है पालक में, ये अच्छी तरह से हो गया है ग्राइंड और शोर भी काफ़ी है। जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सालन रेडी हो चुका है, इसमें हम मैं पालक ये साग मिक्स कर देती हूँ, और ये बड़ा भी है गर्म भी है, दरमियानी आग पे बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर देंगे, अच्छा सा टेस्ट अच्छी सी लुक, फिर उसके बाद नमक वगैरह चेक करके इसको बंद कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट हमारा साग। घर में काफ़ी काम है, भागम भागी में ये देखें जीरा और खुश धनिया इच्छा हुआ, इसका खुशबू बड़ी टेस्ट आएगा एंड पे डालने की वजह से, तो जब मैं इसमें को गोश्त में भून लेती हूँ ना फिर वो टेस्ट नहीं आता, भुनाई में नरम होने में ये इसका अंदर जो टेस्ट होता है वो गुम हो जाता है, खुश्क धनिया और जीरे का, धनिया कसूरी में थी। अच्छा एक और बात आपके साथ मैं क्या शेयर कर रही थी, वो थी अरबी में अगर आप कोई जानते हैं मुल्खिया, उनका इसी तरह से पतला पतला होता है, वो भी एक साग की किस्म होती है, उसको मुल्खिया बोलते हैं, इस तरह से होता है, वो भी सूप की तरह खाते हैं, चम्मच के साथ भी रोटी के साथ भी, और वो जो होता है ना उसमें लेसपन होता है हमारे पास, जैसे भिंडी का लेसपन होता है इस तरह से लेसपन होता है, वो होता है मुल्खिया। अब हमारी शक्ल उसी अरबी डिश मुल्खिया वाली बनी हुई है, हमने आज अरबी टच दिया है मुल्खिया वाला, बहुत मज़े का सरसों पालक का साग विद मटर मटन कसूरी मेथी का एक टेस्ट मज़े का होता है जो।
थोड़ी सी सेटिंग हो चुकी है कमरों की, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर गद्दे बेड शीटें चेंज करते हैं, ये अलग कर दिया है हमने। कोई मिलने वाला आएगा सलाम करके हाल कमरे में बस, क्योंकि वो जो रूम है ना वो ज़रा मिक्सअप है उसमें, तो इसलिए बिल्कुल मरीज़ को अलग रखना उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पखा बंद करो, बीमार थी वैसे, पखा बंद करो। मेरी बस फिर कहूँगी मैं दिल से सबकी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मेरे बेटे को दुआओं में याद रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें अच्छे से ब्लॉग के साथ। मेरे बस जैसे एक साल की आवाज़ होती है वो आप लोगों को आवाज़ आ रही है, धुआं निकल रहा है चूल्हा में करती हूँ बंद। ये देखो अब लुक अच्छी सी नज़र आ रही है, साथ शेयर करती हूँ। ये देखें अब जब जल्दी जल्दी हो ना फिर दो दो लोग काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी बहू को रोज़ा था तो अजानें भी हो रही हैं, जूस वगैरह वो तो ले लिया, खाना खाते हैं अच्छे से साग के साथ और साग क्रिस्पी पराठे जैसे मैंने कहा, या हो बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी उसके ऊपर मक्खन या पराठे, बहुत मज़े के टेस्टी लगते हैं। मेरे पास जितने शुक्राना या रब के अदा करूँ उतने कम हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप लोग की भी शुक्रगुजार हूँ जिनने बहुत सारी दुआएं की हैं, आज सब की दुआओं का असर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे हसन हुसैन को सलामत रखे, एक दूसरे का कंधा रहें, प्यार मोहब्बत के साथ सियात वाली ज़िंदगी हो। तो जैसे मैंने कहा है रब के और आप लोग को का बहुत 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 शुक्रिया है। हमारा साग रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चल बाहर देख प्यारे और छोटे से ब्लॉग के साथ जाती हूँ, इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।